नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभी की लाइफ में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रैक्टर में ये 7 पिन ट्रेलर दिया जाता है, जो कि ये प्लग दिया जाता है, देख सकते हो, ये अब वाले नए वाले जितने भी ट्रैक्टर हैं सभी में, लगभग सारे ट्रैक्टर में दिए जा रहे हैं। तो इसका मेन यूज़ क्या है, तो इसका देख सकते हैं। तो नॉर्मली इसको जैसे कि ट्रॉली रहती है अपनी, ट्रॉली में पीछे बेक लाइट लगाने में या फिर साइड इंडिकेटर लगाने में, और देखा जाए तो जैसे अपन ये प्लेयर वगैरह लगाते हैं म्यूज़िक सिस्टम की, इनके लिए दिया जाता है। अब इसमें ये जो तीन है ये तो इसके मेन अर्थिंग के लिए है, और ये चार है ये फ्यूज है। तो इसमें अपने को डायरेक्ट भी अगर करना चाहे तो डायरेक्ट भी लग सकता है इसमें, और इसके लिए एक बाज़ार से आप चाहे तो एक प्लग आता है और वो भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, प्लग ऑनलाइन भी मिल सकता है, वो 300-400 रुपए से लेकर 700-800 तक का मिलता है। तो दोस्तों ये इसका जो मेन यूज़ है वो यही है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। बस इसका एक और बार बता दूँ मैं कि जो ट्राली में साइड इंडिकेटर और बेक लाइट म्यूज़िक सिस्टम के लिए अगर करना चाहे, अपन ऐड करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से इसके लिए करंट ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे ये जो दिया होता है ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए दिया जाता है, तो इससे मोबाइल चार्जिंग नहीं होता है। मैंने भी इसमें मोबाइल का चार्जर होता है वो डायरेक्ट लगा के देखा है, तो वो नहीं चलता है क्योंकि ये इसमें DC करंट आता है और जो मोबाइल का चार्जर रहता है वो AC वाला रहता है। तो दोस्तों इससे मोबाइल चार्ज नहीं होता, मोबाइल भी चार्ज होता है पर उसके लिए अलग से इधर दिया होता है। ये देखो, देख सकते हो, ये इसमें एक चार्जर आता है, इसका चार्जर अलग ही आता है, वो चार्जर लगा दो और डायरेक्ट मोबाइल पिन कनेक्ट करके चार्जिंग हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए चैनल पर बने रहें।